देख रहे हैं एसके न्यूज। एसके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अंजलि, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मेरा अनुमान है कल पहली बार से 85 लगा है लोकसभा के चुनाव, तो उसको लेकर के आप आपके गांव, आपके जो गांव है बस्ती है डिपोली बस्ती गाँव में आपकी बिराजी के लिए, और आप उसके बाद बावजूद आप योगी भी हैं, आपके एक अलग ही सम्मान इस क्षेत्र में है, तो क्या लोगों का सहयोग किस प्रकार से मिल रहा है? हमको सबसे ज़्यादा जो गरीब जनता है उनका सहयोग सबसे ज़्यादा है। योगी जी बताएंगे आप कि जैसे कि आप चुनाव में उतरे हैं तो आपको कैसे महसूस हो रहा है, कैसे लग रहा है, लोगों के प्रति आकर क्या महसूस कर रहे हैं? हमको तो सभी जितनी भी इन्होंने जो जांच वो हम पर एक हिंदू या मुसलमान, हम तो एक भारतीय होने के नाते सबको एक भारतीय नागरिकता के रूप में देख रहे हैं, और उनको उनका हमको स्नेह प्रेम सम्मान और सब कुछ मिल रहा है। राजनीतिक देश हित के अंदर देश हित के प्रति होती है। आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप लोकसभा में उतरे? हमारे मुद्दे ये रहेंगे, सबसे सर्वप्रथम पहला मुद्दा ये रहेगा जो हमारे बीच में हिंदू और मुसलमान की जो दूरियां उन्होंने पैदा करती, सर्वप्रथम सबसे पहले उन दूरियों को हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हमारे हिंदू और मुसलमानों के बीच में जैसे पहला पूर्वजों के टाइम पर हमने देखा कि इनमें कितना बड़ी बाटियाँ रही है, उन्होंने अंग्रेजों वाली नीति को अपनाया किया डिवाइड एंड रूल, उसी के आधार पर वे राजनीति करते रहे। जैसे भाजपा डिवाइड एंड रूल धर्म पर राजनीति करती रही मुसलमान लोग, लेकिन हमें ये सब कुछ खत्म करना है। राजनीतिक उधर जो है जयंत चौधरी है तो उनकी तो उनका तो चुनाव पर विवाद हो रहा, जाट ही जाट भूत हो जाते, परंतु त्यागी है, मोमनंस है, और कच्चा समाज है, वाल्मीकि भाई है, ये सभी लोग हमें जो है ठीक सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी बताएंगे कि आपको होती है तो आप किसको प्रधानमंत्री बनना देखा जाए, ये तो समय बताएगा, जो अच्छा जो देशभक्त होगा उसी को ही उस स्वरूप में देखा जाए। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जनपद बागपत में पिछले बहुत वर्षों बाद कुछ बदलाव आया है, उन्नति हुई? वही योगी जी भी अपने आप में अपनी दूरी बनाए हुए हैं। आज बात करेंगे हम योगी अरविंद योगी जी से कि वो उन्होंने किस प्रकार से उनके मन में क्या आया और उन्होंने बागपत लोकसभा के प्रत्याशी पद का दावेदारी की। अभी हम आज मिल रहे हैं बागपत लोकसभा सीट से भारतीय नौजवान दल के प्रत्याशी अरविंद योगी जी से। इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने हमारे पास हर काम करने वाला दूर था, उसी प्रकार हम इनके जो हिंदू और मुस्लिम का जो नारा इन्होंने रखा हम इसको खत्म करना चाहते, देश हित में हम सब लोग उन्नति नहीं हुई बल्कि धर्म की राजनीति की गई, आज तक षड्यंत्र रचा गया हमारी जनता के साथ, भारत के अंदर हर जनता को धोखा।